हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जाने वाला हूँ हुसैन सागर लेक के ऊपर। हुसैन सागर लेक के ऊपर मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको, तो उसके ऊपर हम विजिट करेंगे आज। तो फर्स्ट टाइम है मेरा, तो चल के एक्सपीरियंस लेंगे। एक मेरा दोस्त है, उन्होंने शूट कर रहा है अभी वीडियो, तो मैंने एक कैब बुक किया है, तो आते होंगे तो चलेंगे। कैब आते ही मैं आपको बताता हूँ। लूनी पार्क की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे फुट्टा वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो यहाँ से चलेंगे अंदर बोटिंग में। बोटिंग चल के देखते हैं, यहाँ से कुछ खाना वाना खाना है तो खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। यहाँ पे फुट्टा वगैरह बहुत सारे हैं, सोडा वगैरह भी कुछ है। यहाँ पे देखेंगे, अंदर चल के देखते हैं। ये है लुमनी पार्क, यहाँ से अंदर बोटिंग पे जाना होगा। ये लुमनी पार्क है पूरा, तो यहाँ से चल के देखेंगे। अब आपको भुट्टा भुट्टा भी मिल जाएगा पूरा, दिखा देता हूँ। चलो अपन पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद जाएंगे अंदर, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखते हैं यहाँ से कुछ खाएंगे, छेने वगैरह खाएंगे, यहाँ पे मुरमुरा खाएंगे। तो फाइनली लुमनी पार्क के अंदर आ चुके हैं, तो उसका टिकट ले लिया। हम तीन जने हैं, तीन जने में से 60 रुपये लिया, तो टोटल 60 रुपये लिया। तो चलेंगे अभी, चल के अंदर चलेंगे। अंदर चल के बोटिंग के लिए अलग से हैं, उसके लिए कितना फेयर है मैं बता देता हूँ आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो, अब चलते हैं, चल के देखते हैं अंदर। स्टे विद मी। जो ये लुमनी पार्क है, इसके अंदर अंडर 10 के जो बच्चे हैं, 10 साल से नीचे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी है, जो जितने भी दिख रहा है आपको, झूला वगैरह सब कुछ है। अंडर 10 है, बच्चे के लिए फ्री में है सब कुछ, फ्री में आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। बस अंडर 10 के बच्चे हैं तो। तो ये था लुमनी पार्क का कुछ सीन, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। चलो दिख रहा होगा हुसैन सागर की बोटिंग, तो अगर दिख रहा है तो बोट दिख सकते हो आप यहाँ से। यहाँ से हम बोटिंग करेंगे अभी, बोटिंग करके देखते हैं कैसा है। चलेंगे अभी, चल के देखते हैं यहाँ से, बोटिंग करके देखेंगे। मजा आ रहा है भाई, चलेंगे। Yes. और यहाँ पे किड्स की बहुत सारे आपको टॉयज मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी बाइक परचेज कर सकते हो। चलो अभी चलेंगे, टिकट लेंगे। बोट का टिकट कितने का आता है कि देखेंगे, कौन सा क्या है तो देखते हैं कितने रुपए का आता है। फाइनली 150 रुपये की तीन टिकट है, तीन टिकट में 150 रुपये है। तो यहाँ से चल के बोर्डिंग करके देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। टाइमिंग है 4-6 की टाइमिंग है, तो देखेंगे अभी, वेट करेंगे थोड़ा, उसके बाद चलेंगे। फाइनली जा रहे हैं, जाके देखते हैं। फाइनली ये बोट है, ये बोट में जाके देखेंगे, हम ट्रैवल करके देखेंगे। चलो चलते हैं।
फाइनली हम जा रहे हैं यहाँ से, जाके देखेंगे हम गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। तो बोर्ड स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारा बोर्डिंग थी 4-6 में, तो स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 4-6 हो चुका है, तो स्टार्ट हो चुका है, तो देखेंगे जाके, जाके देखते हैं। Through the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. एकदम गौतम बुद्ध के करीब में है, देख सकते हैं स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध मेरे पीछे है, और अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो इसके बारे में फैक्ट्स भी बताऊंगा कुछ। आ चुके हैं एकदम करीब में, तो देखते हैं, तो चल के आपको गौतम बुद्ध घुमा के राउंड लेते हैं, चलो। हैदराबाद के टूरिस्ट प्लेस में से बेस्ट ऑप्शन में से एक है आफ्टर चार मीनार, तो ये है हुसैन सागर से सर्विस एरिया दिखाते हैं आपकी, सी दिखाते हैं हुसैन सागर। तो सबसे पहले हुसैन सागर की मैं आपको थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ। हुसैन सागर को बनाया गया था इब्राहिम कुलकुतुब शाह ने, तो उस टाइम पे जो हैदराबाद की डायनेस्टी थी उस टाइम पे वो बनाया गया था। तो ये जो सर्फेक्स एरिया है, जो हुसैन सागर की पूरा एरिया जो है वो 2.400 किलोमीटर की दायरे में आता है। तो इसका जो फैक्ट मैं बताता हूँ, जो मेरे पीछे एक झंडा दिख रहा होगा वो झंडा है लोकेटेड है संजीविया पार्क में, तो उस हिसाब से वो संजीविया पार्क के अंदर लोकेटेड है। सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूजन ये आता है कि कभी कभार हम वो झंडा देखते हैं कहाँ पे है कि कहाँ पे नहीं है, वह है लोकेटेड संजीविया पार्क में। तो अभी हुसैन सागर के बारे में ये फैक्ट बताऊँगा, हुसैन सागर की जो गहराई है वो 32 फीट है, उसका जो गहराई है 32 फीट गहराई है। और गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बता देता हूँ फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को बनाया गया था एनटी रामाराव ने बनाया गया था, जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे। तो वो गौतम बुद्ध को जब बनाया गया था तब ये कोई वो नहीं होता, कुदरती लेक नहीं होता, आर्टिफिशियल लेक है, इसको बनाया गया था तो डेकोरेट किया गया था। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, 1992 की दिसंबर की फर्स्ट इसको बना के रेडी किया गया था उस टाइम पर। तो उस हिसाब से अभी तो बहुत साल, अभी मैं पीछे से आप देख सकते हो गौतम बुद्ध है स्टैचू है, जो स्टैचू इसको आंध्र प्रदेश सीएम ने क्यों बनाया था इसका सवाल सबके मन में आता है। एक बार वो न्यूयॉर्क गए थे US, तो उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा वहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे बनाया। ऐसा भी हमें कुछ करना चाहिए हैदराबाद में, तो उस हिसाब से ये बनाया। ये रॉक है जो ये जो गौतम बुद्ध है 18 मीटर का होता है, ठीक है, 18 मीटर की करीब है उसका जो स्टैचू है गौतम बुद्ध की। तो वो ने अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने के बाद ये बनाया था गौतम बुद्ध। तो इसके बारे में यही फैक्ट है। तो अगर हुसैन सागर की बात करें तो हुसैन सागर को बनाया गया था 1563 में, कंप्लीट किया गया था हुसैन सागर, ये बना के कंप्लीट हुआ था गौतम बुद्ध
1992 दिसंबर की फर्स्ट। तो अभी हम अभी भी यहीं हैं गौतम बुद्ध के अंदर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हम शूट करने के लिए शाम तक रुक सकते हैं, तो उन्होंने परमिशन दे दिया शाम तक हम रुकेंगे यहाँ पे, शाम तक रुक के वीडियो बना रहे हैं। तो लाइटिंग वगैरह तो आ चुकी है, आप देख सकते हो अंधेरा भी हो रहा है तो उसकी वजह से लाइटिंग वगैरह आ चुकी है। नाइट शो है, नाइट में कैसा शो हो रहा है देख सकते हो। तो अभी लाइटिंग वगैरह है गौतम बुद्ध के ऊपर, थोड़ा दिखाते हैं आपको लाइटिंग कैसा है, दिखाओ भैया। तो अभी थोड़ी देर में हम चले जाएंगे, मैं रुका हुआ सिर्फ नाइट की आपको शो दिखाने के लिए। लाइटिंग शो राइट नाइट की शो देख सकते हो, तो कैसे ये वाटरफॉल है, वाटरफॉल देख सकते हो कैसा वाटरफॉल है। वाटरफॉल अभी नाइट के शो में अभी वाटरफॉल भी चलने लगे हैं, यही दिखाने के लिए मैं रुका हुआ हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो चलेंगे अभी देखते हैं, इधर आगे जाके देखते हैं, चला देख सकते हो गौतम बुद्ध की लाइट आ चुकी है पूरी तरीके से। तो ये था पूरा नाइट शो हुसैन सागर के ऊपर, तो हुसैन सागर के ऊपर मैंने लेक के ऊपर वीडियो बनाने की सोचा था, वो बना चुका हूँ। तो अभी देखते हैं थोड़ा और घूमेंगे, उसके बाद चलेंगे। यहाँ पे गौतम बुद्ध में थोड़ा कुत्ता वंदना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे थोड़ा गाइडलाइंस है, थोड़ा सा गाइडलाइंस यहाँ लिखा हुआ है, उसके बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो फाइनली आप चलेंगे गौतम बुद्ध, तो पहले से देख चुके हैं, तो आप चलेंगे यहाँ से चलेंगे। तो फाइनली आ चुका है लुम्बिनी पार्क को, फिर आप यहाँ से घर को चलते हैं, अभी लोग आए हैं तो लुम्बिनी पार्क, तो लुम्बिनी पार्क को आ चुका है फाइनली। तो
तो हम लुमिनी पार्क में एक झूला है यहाँ पे ऊपर उठाने का, रोलिंग है, तो हम उस पर चढ़ रहे हैं, देख सकते हो उस पर चढ़ रहे हैं। हम तीन जने हैं हम जो भी यहाँ पे, एक टिकट है 60 रुपीज़ की टिकट है, तो आप आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे चढ़ के देखना। तो अब नीचे उतर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, मुझे चक्कर आ रहा था फिर उन्होंने कहा कि भाई आराम से। तो फाइनली झूला झूल के आ गए हैं, चक्कर आ रहे एकदम सा, तो अब चले जाएंगे यहाँ से। वो रात भी बहुत हो गई है, 8 बजने को आ रहा है, चलो चले जाएंगे। सो फाइनली बाहर आ चुके हैं, तो अभी यही वीडियो को यहीं ऐड करते हैं, उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक सब्सक्राइब और जो भी है कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगली वीडियो में ज़रूर आऊँगा बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, अभी चलेंगे घर पर। थैंक यू।